पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाने वालों की गिरफ्तारी का मुद्दा प्रदेश में काफी गर्मा गया है। जालौर के रानीवाड़ा में भाजयुमो जिला अध्यक्ष प्रकाश सेन ने भी इसका विरोध जताया है। सेन ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को अपने रक्त से लिखकर पोस्ट कार्ड भेजा है, जिसमें उन्होंने जय श्री राम के नारे लिखते हुए कड़ा आक्रोश जताया है। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे लगाने वालों की गिरफ्तारी का मामला अब गर्मा गया है। इस वक्त रानीवाड़ा में भाजपा कार्यालय में भाजपा युवा मोर्चों के जिला उपाध्यक्ष प्रकाश सेन है, जो अपना रक्त से लिखकर पोस्ट कार्ड ममता बनर्जी को भेज रहे हैं। मेरे साथ में खास बातचीत करने के लिए प्रकाश सेन है जी, आप ये पोस्ट कार्ड किसको भेज रहे हैं, क्या इस पर लिख रहे हो? ये पोस्ट कार्ड मैं आदरणीय ममता दीदी जो सीएम है वेस्ट बंगाल की, उनको लिख रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ममता दीदी जय श्री राम बोलने वालों के खिलाफ में मुकदमे दर्ज करवा रही है, उनके जेलों में डाल रही है। तो हम उनको बताना चाहते हैं ममता जी को कि हम श्री राम के वंशज है, जय श्री राम के नारों से हमें जय श्री राम ही के नारे लगाएंगे, क्योंकि हम श्री राम के वंशज है। आज पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जय श्री राम की जीत हो रही, तो आपको इससे तकलीफ क्यों हो रही है? तो मैं मेरे खून से, ये मेरा खुद का खून है जो बी पॉजिटिव ग्रुप का है, मैं उनसे ममता दीदी को जय श्री राम लिख के ये सारे पोस्ट कार्ड उन्हें पोस्ट कर रहा हूँ, ताकि उन्हें मालूम पड़े कि पूरे भारत में जय श्री राम का सम्मान होता है। वैसे हम आदरणीय ममता दीदी का सम्मान व्यक्तिगत रूप से खूब करते हैं, लेकिन जिस तरह से उनका श्री राम और नारों के खिलाफ जो उनका विरोध प्रदर्शन है, हम उनके खिलाफ है। तो ये थे मेरे साथ में भाजपा युवा मोर्चा के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश सेन, जो अपने रक्त से पोस्ट कार्ड जो बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी उनको भेज रहे हैं। कैमरामैन शिवराज पटेल के साथ रविंद्र सिंह, उमट रानीवाड़ा, जा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।